अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पसंदीदा चैनल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही अहमियत के हामिल है, क्योंकि 22 दिन बाद पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है और ये फैसला जो है सरकारी मुलाजमीन और सरकारी दफातर से ताल्लुक़ रखता है। पंजाब हुकूमत ने महकमों की छुट्टियां ख़त्म कर दी हैं। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पंजाब के सरकारी महकमे 15 अप्रैल से खुलेंगे। पंजाब ने महकमों की छुट्टियाँ ख़त्म कर दी हैं। महकमों की छुट्टियाँ ख़त्म के साथ साथ उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको तफसील बता रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसकी डिटेल भी आपको बता देता हूँ कि ये नोटिफिकेशन 14 अप्रैल यानी आज ही के दिन जारी किया गया है, जिसमें जो लफ्ज़ लिखा गया है कि वो दफातर जो कि मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो नोटिफिकेशन के तहत बंद थे उनमें तौसी होती रही, वो कल से अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे 15 अप्रैल 2020 से। जो रिमेनिंग स्टाफ होगा वो ऑनलाइन अपना वर्क जारी रखेगा, जिस तरह पहले ही नोटिफिकेशन के ज़रिए हदायत जारी की गई थी। तो जो दफातर लाहौर की सतह पर सेक्रट्रिएट के बंद थे, सेक्रटरीज वगैरह के, और इसी तरह एडिशनल सेक्रटरीज के दफातर बंद थे, उन दफातर से को खोल दिया गया है और कल से फंक्शन शुरू कर दिया गया है। और इसी तरह बाकी जो रिमेनिंग स्टाफ है वो ऑनलाइन अपना काम जारी रखेगा। ये नोटिफिकेशन जारी किया है सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और इम्प्लीमेंटेशन एंड कोआर्डिनेशन विंग ने 14 अप्रैल 2020 को। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बड़ी खबर है कि सरकारी दफातर कल से खुलने जा रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट आपने सुनी है, उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।